हमारे जीवन के लिए सूर्य की रोशनी कितनी जरूरी है। मनुष्य ईश्वर में बहुत आस्था रखता है, जैसे कि हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम सूर्यदेव में विश्वास करते हैं। सुबह के समय हर दिन हम पहले सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं। सूर्य देवता हम सबको शुभ पल प्रदान करने वाले माने गए हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी सूर्य को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। अब सूर्य की रोशनी हमारे घर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जैसे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्य की रोशनी बहुत उपयोगी है। इसके आने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे घर में बहुत दिनों तक सूर्य की रोशनी न आए तो हमारे घर में सीलन आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि घर के जिस स्थान पर बहुत दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं आई हो, नहीं पड़ी हो, तो उस जगह पर सीलन अधिक आने की संभावना होती है। इसके अलावा सूरज की रोशनी न आने से उस जगह कीड़े मकोड़े आने की ज्यादा आशंका होती है, और सूरज की रोशनी से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रोशनी अपने सेहत के लिए जरूरी है, फायदेमंद है। प्रतिदिन इस सूर्य की रोशनी पड़ने से परिवार के सदस्यों की सेहत बनी रहती है, हम चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, हमारे परिवार के सब लोग निरोगी रहते हैं। सूरज की रोशनी तन मन को हमेशा स्वस्थ रखती है। कहते हैं कि जिस घर पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर लोगों के बीमार रहने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब वास्तु दोष क्या कहता है? वास्तु दोष अगर रहे हमारे घर पर तो सूरज की रोशनी से वास्तु दोष दूर होता है। सूर्य को ऊर्जा का सोर्स माना गया है। वास्तु दोष के वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अगर सूर्य का प्रकाश न आने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, और सूर्य की रोशनी अगर हमारे घर में आए तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहती है, और सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर सूर्य की रोशनी कोई कोने में न पड़ने से उससे वास्तु दोष का प्रकोप होता है। माना जाता है कि जिस घर में सूर्य की पूर्वी रोशनी नहीं आती है वहां वास्तु दोष होता है। अब ग्रह दोष से भी होता है दूर। अगर सूर्य की रोशनी हमारे घर में आए तो ग्रह दोष भी होते हैं दूर। वास्तु के अनुसार यह कोशिश रहनी चाहिए कि घर के हर तरह का हिस्सा, जैसे कि रसोई, बाथरूम, इन हिस्सों पर भी रोशनी पहुंच सके। ऐसा होने पर जीवन में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ न कि वास्तु बल्कि सूर्य की रोशनी से अशुभ ग्रहों के दोष भी हमारे दूर हो सकते हैं। सूर्य की रोशनी से ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होने की संभावना रहती है। हमारे घर के सब परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और हम सब ऊर्जावान बनते हैं। अब हमारे घर में कृत्रिम रोशनी कम करें, सूरज की रोशनी ज्यादा आने दे और कृत्रिम रोशनी का प्रयोग कम करें। जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रयास करना चाहिए कि हर घर में कृत्रिम रोशनी का उपयोग कम से कम हो। घर पर अगर सूर्य की रोशनी कई तरह से लाभदायी होती है, इसके अलावा अपने शयन कक्ष में भी तेज कृत्रिम रोशनी के प्रयोग से बचना चाहिए। कोशिश करें कि शयन कक्ष में धीमी रोशनी ही रहे, इससे सोने में अच्छा लगता है और सोते वक्त हमारे मन में कोई बुरे विचार नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सूरज की रोशनी के फायदे। थैंक
थैंक यू।